बिहार और उत्तर प्रदेश के महापर्व छठ पूजन का अनोखा नजारा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी देखने को मिला। नीमच में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने बड़े धूमधाम से जलाशयों पर पहुंचकर छठ मैया की पूजा अर्चना की है। महिलाओं ने सोलर श्रृंगार कर जल में खड़े होकर जहां शुक्रवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, तो वहीं शनिवार सुबह शहर के इंदिरा नगर स्थित सार्वजनिक तालाब व अन्य क्षेत्रों में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया से घर परिवार व देश में सुख समृद्धि शांति की कामना की है। वैसे तो सीआरपीएफ में हर वर्ष छठ पूजा पर विशेष आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सीआरपीएफ में निवासरत बिहार व उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने घरों में ही छठ पूजा का महोत्सव मनाया है। भले ही कोरोना का संक्रमण बरकरार हो, लेकिन शहर के इंदिरा नगर स्थित सार्वजनिक तालाब पर यूपी और बिहार की महिलाओं ने छठ पूजा का महत्व और उत्साह कम नहीं होने दिया। महिलाओं ने अपने परिवार के साथ माता छठ की विशेष पूजा अर्चना की है। ऐसा कहा जाता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हें अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की जाए तो सूर्य देव प्रसन्न होकर महिलाओं की मन्नत पूरी करते हैं। आप देख रहे थे के खबर के लिए चिराग फगवार की यह खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म के बहुत ही बड़ी पूजा है और मुख्य रूप से ये बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठीक ढंग से मनाया जाता है। वैसे तो आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, इंडिया ही नहीं, जहाँ जहाँ पे हमारे बिहारी भाई, हमारे यूपी के लोग हैं, जिनकी औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब लोग इस पूजा को फॉलो करते हैं। और ये पूजा मुख्य रूप से मैं बताऊँ आपको कि इतना महत्व है इसका, जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक दिया कि नहीं करना है, घर घर में करना है, लेकिन ये सामूहिक पूजा है। इसको किसी भी नदी के घाट पे, मेन तो हमारे यहाँ क्या गंगा जी हैं, तो गंगा जी के घाट पे मनाया जाता है। अगर किसी के यहाँ से बहुत दूर है गंगा जी, तो घर में ही एक तालाब टाइप का पोखरा बोलते हैं हमारे यहाँ, पोखर बना के उसमें पानी डाल के उसमें एक पीढ़ा रखा जाता है, पीढ़े पर चढ़ के अंदर जाकर के पानी से भीगे हुए वस्त्र एक तरह से औरतें पहनती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंदूर लगाने का तरीका ही एकदम अलग होता है, यहाँ पूरे नाक से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है। तो इस पर्व का एक अलग महत्व है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि 3 दिन की पूजा होती है, ये खरना होता है, 2 दिन औरतें हमारे एकदम निर्जला व्रत रहती हैं। शाम को ये हमारे यहाँ बिहार में मर्द भी करता है, ऐसा नहीं कि औरतें ही करती है, खाली पुरुष भी करता है इसको, लेकिन मोस्टली औरतें ही करती हैं। आज किस प्रकार की पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, सेम है वही, जो आयोजन आप जानना चाहते हैं सेम वही है, बस यहाँ पे ये है कि नदी नहीं है। सारी पूजा वैसे है, जैसे यहाँ पे लोग नहीं जानते हैं कि गीत का क्या महत्व है। ये पूजा जब से शुरू होती है और जब तक चलती है तब तक गीत चलता है, लेकिन गीत ही बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। जब हम घर से चलते हैं, घाट तक पहुँचते हैं, वो घर से जो दौरा उठाया जाता है, जिसमें फल फूल तमाम तरह की पूजन सामग्री होती है, उसको लेकर के आदमी घाट पे जाता है, वहाँ से उठा करके घाट तक पहुँचने तक आदमी गीत गाता है, फिर जो घाट है वहाँ पे बैठ के, हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि अगोरा जाता है घाट को, है ना, तो अगोरते हैं उसको कि सूर्य भगवान कब अस्त होंगे। जब अस्त होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आदमी आ जाता है, सूर्योदय से बहुत पहले आ जाता है, चाहे कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, सुबह बहुत पहले आ करके फिर हम लोग घाट को अगोरते हैं। उस अगोरने के बाद फिर जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होने के साथ ही फिर अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, फिर वहाँ पे जा करके इस पूजा का अंत होता है।